विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात्कृते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमोऽहम् श्री दक्षिणामूर्तये ब्रह्मानन्दाभिलीलालित लहरिता व्यञ्जिता संख्य बिन्दु ब्रह्मांड प्राप्तेन विदुख विदु विदित यक्ष विस्तार सीमा संवित भूमांशु मालोज्वल विमल रुचि स्वच्छ माया विलास श्री पूर्णानंद तीर्थो मम मनस मना आत्म भाव विवर्तो निगम कल्प करोर कलितं फलम सुख मुखाद अमृत स्रव संजतम। वेद कल्प वृक्ष जैसे स्वर्ग के कल्प वृक्ष के नीचे जाए थे जो वस्तु मांगे वो वस्तु दे देता है, वैसे मत मतांतर सिद्धांत की प्राप्ति के लिए वेद कल्प वृक्ष है। कोई द्वैत मांगे अद्वैत मांगे द्वैता द्वैत मांगे विशिष्टा द्वैत मांगे सब तो उसमें से निकलता है। बड़ा उदार है, उदार चूड़ा बने सब मांगने वाले जाते हैं लेते हैं। अब ये तो कुछ मांगे ही नहीं कि हमको द्वैत चाहिए कि अद्वैत चाहिए कि विशिष्टा द्वैत चाहिए, कुछ नहीं मांगे। वेद ने कहा कि हमारे नीचे आए हो, हमारी छाया में आए हो, तो कुछ न कुछ तो लेना पड़ेगा। सुखदेव जी ने कहा हमको तो कुछ चाहिए नहीं, तो कुछ न चाहिए। तो वेद ने कहा कि अच्छा जो हमारा असली फल है परिपक्व असीला वो हम तुमको अपने मन से देते हैं। निगम कल्प करो गलितम फलम का अर्थ ये है अपने आप कष्ट से गिर पड़ा, मांगा नहीं। उसी फल का नाम भागवत है, उसी फल का नाम भागवत है। माने वेद का स्वार्थिक तात्पर्य है आचार्य मति या आचार्य मत के द्वारा उपहित मत नहीं है, आचार्य मति और आचार्य मतों की उपाधि से विनिर्मुक्त संप्रदाय निरपेक्ष वैदिक फल है। निगम कल्प करू है, वेद कल्प करू है। और फिर ये समझने में कठिन नहीं है, न्याय मीमांसा का अध्ययन करो तब ये समझ में आता हो तो बात नहीं है। ये तो भक्त्या भागवतं ग्राह्यम् प्रेम से इसको पढ़ो, नाभ्यासे न विद्या। कोई बड़ा विद्वान हो तो भागवत नहीं समझ सकता, कोई बहुत अभ्यास करे तो भागवत नहीं समझ सकता। भक्ति हो हृदय में तब भागवत समझ में आता है। अब आपको प्रातः काल जो गोपिका की चर्चा दे रही, तो एक अर्थ उसका यह है कि गोपी ने श्री कृष्ण को रस्सी से उखल में बांध दिया, और एक अर्थ है कि श्री कृष्ण ने गोपी और उखल दोनों को रस्सी से बांध दिया। बंधे कौन? कृष्ण बंधे? बोले नहीं, मैया बंध गई। तो जो पदों का प्रयोग है ना, गोपी को लूखले दामना बबंध, कृष्णहा गोपी को लूखले हुए दामना बबंध, कर्म विभक्ति है। उखल को देखते ही कृष्ण की याद आ जाए, अरे ये वही उखल है जिसमें जसोदा मैया ने श्याम सुंदर को बांधा था। मैया, अरे हमारा लाला इतना प्रेमी है जो जब मैं बांधने लगी तो छटपटाया भी नहीं, हाथ भी नहीं हटाया, मना भी नहीं किया। जैसे एक भक्त भगवान के प्रति आत्मसमर्पण कर देता है, वैसे भगवान श्री कृष्ण ने मैया के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया। तो गोपी को लूथले उड़े दामना बबंध, हमेशा के लिए भगवान ने बांध लिया। खल से खल भी भगवान के संबंध से मुक्ति का हेतु हो सकता है, और मैया तो कभी श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित हो ही नहीं सकती। तो ये बात तो थी सवेरे की, बाद में मैंने जरा मधुर रस की बात शुरू कर दी। ये गोपियों का वर्णन क्या है श्रीमद् भागवत में? ये प्रेम देवता का
जीवन चरित्र है। आप इस दृष्टि से इसको देखें, प्रेम देवता का जन्म, प्रेम देवता का की वृद्धि, प्रेम देवता से फिरा, प्रेम देवता से मिलन, प्रेम का सुख, सारा इतिहास श्रीमद् भागवत में है। वेदांत दर्शन प्रेम के नाम से ईश्वर का वर्णन नहीं करता, और मीमांसा दर्शन तो ईश्वर के नाम से घबराता है। ये पूर्व मीमांसा दर्शन है ना, उसमें तो ईश्वर की चर्चा ही नहीं, कर्म ही कर्म की चर्चा है, ईश्वर की चर्चा नहीं है। सच पूछो तो उसमें देवताओं की भी चर्चा नहीं है। देवताओं के विग्रह भी होते हैं कि नहीं होते हैं, इस पर भी मतभेद है। सदर स्वामी कुमारी भट्ट नहीं मानते हैं, और दूसरे कई आचार्य प्रभाकर के अनुयायी मानते हैं, खंडदेव आदि मानते हैं। तो ये पूर्व मीमांसा का विषय नहीं है, ये न्याय के पीलवह पीलवह नहीं है, परमाणु परमाणु नहीं है, वैशेषिक का विशेष नहीं है, सांख्य की प्रकृति पुरुष नहीं है, ये योग की समाधि और असंगता नहीं है, ये तो प्रेम परमात्मा का वर्णन है। तो प्रेम का उदय पहले होता है, इसको पूर्व राग बोलते हैं साहित्य में, काव्य क्षेत्र में इसका नाम पूर्व राग होता है। तो ये कैसे होता है, कि देख के होता है, सुन के होता है, नाम से भी होता है, गुण से भी होता है, कि किसी से प्रेम होता है ना। और गांधी जी को हमने देखा नहीं था, तो ऐसे ऐसे गुण सुने उनके कि जब हमारे सब पंडित लोग उनको गाली देते थे, तब हमारे दिल में उनके प्रति प्रेम होता था। क्यों होता था, मिले नहीं थे, मिले नहीं थे, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, गुण सुन के होता था। तो प्रेम की परिपाटी क्या है, गुणानुवाद का श्रवण, उसमें नाम का श्रवण भी है, रूप का दर्शन, चित्र में दर्शन, स्वप्न में दर्शन, ध्यान में दर्शन, बाहर दर्शन, ये सब उसकी, और सौंदर्य माधुर्य संगीत कला, गाने में बहुत निपुण हुए, गायन कम ही स्त्रिय कामयंते। तो श्री कृष्ण के रूप के दर्शन का भी वर्णन आता है। एक दिन श्री राधा रानी घर से निकली, चले जमुना किनारे घूम आवे, एक ग्वाले ने बड़े जोर से पुकारा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वही कृष्ण हो जो हम लोग सुनते हैं। एक राधा का दिल था और एक हमारा कठोर दिल है, पहले पहल उन्होंने कृष्ण नाम सुना और उनके हृदय में घुस गया। अरे ये कौन है, कृष्ण कौन है। ब्रज के रसिकों ने गाया है, कृष्ण नाम जपते श्रवण सुन और याली, भूली री भवन हों तो पावरी भैरी, श्रीराम विलोड़यती, शर्म को लज्जा को मत देता है, लुम्पति धैर्यम धैर्य का लोप कर देता है, आर्य भीतिम भिनत्ते गुरुजनों के भय को नष्ट कर देता है, परिलुम्पति चित्तवृत्तिम परिलुम्पति चित्तवृत्तिम, चित्तवृत्ति को नोच ले जाता है, लूट ले जाता है। कौन, नामैव यस्य कलितां श्रवणोपकंठे, जिसके नाम श्रवण से ही ये दशा हो जाती है। दृष्टस्य किं कुरुताम तथि मत विधानाम, कहीं वो आंखों के सामने आ गया जिसका नाम कृष्ण है, तो हमारी क्या दशा होगी। नाम नाम कृष्ण कृष्ण कृष्ण, एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मतिम कृष्णेति नामाक्षरम, प्रेमोन्माद परंपरा उपनयती अन्यस्य वंशी कला। एक दिन श्री राधा रानी निकली घर से, तो देखा कहीं से बंसी की ध्वनि आ रही है, तो जिसका नाम कृष्ण उस पर भी मुग्ध हो गई, और इतनी सुंदर बांसुरी जो बजाने वाला है उस पर भी मुग्ध हो गई। व्याकुल, एक और मन जाए कि कृष्ण नाम वाले से ब्याह कर ले, एक और मन जाए कि बांसुरी बजाने वाले से ब्याह कर ले, ये पता नहीं कि दोनों एक ही है। इसको पूर्व राग बोलते हैं, पूर्व राग। इतने में चित्रलेखा सखी आई और उसने एक चित्र भेंट किया, शिशिर दृश्य दृष्टवा दिव्य
दिव्यं किशोरमितीक्षितः सखि जनवचो विश्रम्भा त्वं विलासतनांगिता शिव शिव कथं जानीमः त्वामवक्रधियो वयम् निबिडबलवा वहनिज्वाला कलाप विकासिनम्। मेरी सखी ने कहा कि सखी आंखें ठंडी करो, ये कितना बढ़िया किसी दिव्य किशोर का चित्र बना है। सखी की बात पर विश्वास करके मैंने वो तस्वीर देख ली, वो चित्र देख लिया। शिव शिव कथम जानीम त्वाम अवस्त्र विधियो वयम्। हम भोली भाली गांव की गोपियां क्या जाने कि तुम कौन हो। आंख ठंडी करने के लिए तुम्हारी तस्वीर देखी और यहाँ कलेजे में आग लग गई। निबिड बदवा वहनि ज्वाला कलाप विकासिनम। तो गुण श्रवण करके, नाम श्रवण करके, बंसी ध्वनि श्रवण करके, चित्र देख करके, हम लोगों के लिए भी है वही बात। ये तो प्रेम देवता का इतिहास है ना, ये कहाँ से भीतर तक बजाते हैं, कहाँ से जग जाते हैं भीतर हृदय में, इसका पता क्या चले, ये तो भीतर का काम है। श्री राधा रानी के मन में आया कि जिसकी तस्वीर है वो हमारा प्यारा है, जिसने बांसुरी बजाई वो मेरा प्यारा है, जिसका नाम सुना वो मेरा प्यारा है। लो एक पुरुषत्रये रतिरभून मन्ये मृति श्रेयसी। मैं एक राधा और तीन पुरुषों में मेरी प्रीति हो गई, तो कहाँ रहा कुमारित्व, कहाँ रहा कन्यात्व, कहाँ रहा सतीत्व, सब जीवन तो भ्रष्ट हो गया। मैं अकेली और तीन तीन पुरुषों से प्रीति, बस अब तो मैं मर जाऊंगी, ऐसा निश्चय करके मर गए। देखो आपको ऐसे ही सुनाते हैं, पूर्व राजा एक प्रसंग ऐसे सुना दे। मन मृति श्रेयसी। ललिता सखी ने जाकर पूछा कि सखी तुमको रोग क्या है। बोले बस बस पूछो मत सखे। यम सखी दुराराध्या राधा हृदय वेदना कृता यत्र चिकित्सा भी उत्सायाम पर्यवस्यति। ऐसा रोग हो गया हमको कि इसकी दवा करेंगे तो बदनामी हो जाएगी गांव में, बस ये रोग तो ऐसा हुआ है कि इसकी दवा मत करो, मर जा। ये यही प्रणाली इसकी महात्माओं ने मानी है। प्रथम ही दिनन में श्रवण मिले हैं जाय रूप सुधा मधु कीन्हे नैन हूँ प्यान है। मुस्कान है, चितवन है, बोलन है, चलन है, रतिकाई है, सुघराई है, मिली मति पय पान है। मोहि मोहि मोहन मयोरी मन मेरो भयो हरि चंद भेदन परत पहचान है। कान भय प्राणमय प्राण भय कानमय ये मेन जानी पर कान है कि प्राण है। सखी ने कहा आस्पति मरो मत सके, जिसका नाम कृष्ण है वही बांसुरी बजाता है और जो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण है उसी का चित्र तुमने देखा है। तीन पुरुष से तुम्हारी प्रीति नहीं हुई है, एक पुरुष से प्रीति हुई है, समाश्वसी मैं अभी लेके आते हैं। अच्छा प्रेम देवता जो है वो पूर्व राग में भी ये कहते हैं एक संयोग और एक वियोग विरह, दो दशा होती है प्रेम में। उसमें पूर्व राग में वियोग नहीं होता, पूर्व राग में अयोग होता है, अयोग ऐसी व्यवस्था है। एक बार मिलने के बाद बिछुड़े तब तो वियोग है, और अभी मिले ही नहीं और प्रियतम से मिलने के लिए व्याकुलता है तो उसका नाम वियोग नहीं होगा, उसका नाम अयोग होता है। तो विरह के दो भेद हैं, एक अयोग और एक वियोग, ये विरह के दो भेद हैं, एक अयोग और एक वियोग। ललिता सखी ने कहा कि अभी मैं लेके आती हूँ, तुम शांति से तो रहो, उपद्रव मत करो, मरो जियो मत। ये प्रेमी लोग जो है ना ये मौत को तो खिलवाड़ समझते हैं, नहीं मरो मत, मैं कृष्ण को लेके आती हूँ। गई ललिता, गई लेने के लिए। आप प्रेम का जीवन चरित्र देखें, प्रेम का इतिहास देखें, व्यक्ति को मत पकड़ें, गोपी को मत पकड़ें, व्यक्ति को न पकड़ें प्रेम को पकड़ें। अब प्रेम तो बड़ा दुरंगी होता है, प्रेमी लोग मानते हैं अहेरिव गति प्रेमणहा, सांप की तरह चलता है प्रेम, स्वभाव कुटिल, कभी दाहिने कभी बाएं, बुलाओ तो भाग जाएं,
और सामने जाओ तो मुंह फेर लें और उनकी ओर पीठ कर लो तो सामने आके देखें, दुत्कारो तो ज्यादा प्रेम माने। प्रेम की गति अहे रिव गति प्रेमणः स्वभाव कुटिना भवेत। ललिता सखी गई, उन्होंने कहा श्याम सुंदर तुम्हारे दर्शन के लिए राधा रानी व्याकुल हो रही हैं, किशोरी जी व्याकुल हैं, चलो उनके प्राणों की रक्षा करो। कृष्ण का चल चल ग्वालिनी, मैं बाल ब्रह्मचारी स्त्री को कभी छूने वाला नहीं, मैं सच्ची बात आपसे कहता हूँ, ज्यादा ढोंग नहीं करना चाहिए, तो महात्माओं के बीच में ऐसी बात कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ज्यादा ढोंग नहीं करना चाहिए। वही लोग ज्यादा पकड़े जाते हैं जो ज्यादा ढोंग करते हैं। अरे मैं स्त्री का स्पर्श करूंगा तुम मुझे क्या समझती हो, क्यों बुलाने आए। ललिता बिचारी तो सच्ची, उसने सोचा कि सचमुच इन्होंने हमको दुत्कार दिया, रोने लगी, आंखों से झर झर आंसू गिरने लगे, गला सूखने लगा, प्राण व्याकुल हो गए। उसी दशा में श्री राधा रानी के पास आए। राधा रानी देखते ही समझ गए कि कृष्ण नहीं आए। बोले अकारुण्य कृष्णो यदि सखी सवागत कथमिदं मुधा मारुदीर में गुरु परमिमानुत्तर कृतिम तमालस्य स्कंदे विनिहित भुजा बल्लरिरियम यथा वृंदारण्ये चिरमभिचला तिष्ठति तनु। सखी यदि कृष्ण के हृदय में दया माया नहीं है, करुणा नहीं है, वे मुझे जीवित रखने के लिए नहीं आना चाहते, तो इसमें सखी तुम्हारा तो कोई अपराध नहीं है, व्यर्थ में तुम मत रहो। मैं तुम्हें आगे के लिए जो कर्तव्य है वो बताती हूँ कि मेरी अंत्येष्टि क्रिया कैसे करना है। उत्तर करते, क्योंकि अब शरीर तो जीवित रहेगा नहीं, ये तो छूट जाएगा, तो इसकी अंत्येष्टि क्रिया यो करना। समानस्य स्कंधे विनिहित भुजा वल्लरिरियम, जब मेरा शरीर छूट जाए तो इसको जलाना मत, पानी में मत डालना, धरती में मत गाड़ना। एक ये जो काला काला सावरा सावरा समाल का पेड़ होता है ना, उसके साथ ले जाकर लपेट देना, बाहों को उसमें लपेट देना, पांव को उसमें लपेट देना, और मेरे शरीर को उसके साथ बांध देना। कृष्ण नहीं मिले तो क्या हुआ, कृष्ण के रंग का जो वो समाल करु है वृंदारण्य में, उसके साथ मेरा शरीर चिरकाल तक बंधा रहे। और तब तक तो महाराज रूप बदल के स्वयं श्याम सुंदर ही वहाँ पधार गया, वातावरण बदल गया। कि आपको इसलिए सुनाया कि हृदय में जो प्रेम का उदय होता है वो प्रेम की बात सुनने से होता है। ये जो कठोर हृदय है इनका पत्थर भी कभी पिघलेगा, बड़े बड़े सत्वगत पुरुषों का हृदय भी द्रवित हो जाता है। मधुसूदन सरस्वती जैसा महापुरुष कहता है कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, आवृत माधीर वार नारी ही। अद्वैत सिद्धि के पिछले प्रकरणों में श्री मधुसूदन सरस्वती गोपियों से घिरे हुए कृष्ण का अद्वैत सिद्धि में, खास अद्वैत सिद्धि में, गीता की टीका में नहीं, खास अद्वैत सिद्धि में, और अद्वैत रत्न रक्षण में वो तो और बात का है, अद्वैत रत्न रक्षण में तो और गोपियों का वर्णन किया है। वो भेद रत्नम लिखा था एक शंकर मिश्र ने, उसका खंडन करने के लिए उन्होंने अद्वैत रत्न रक्षण ग्रंथ लिखा, उसमें तो गोपियों की काफी चर्चा है। तो भाई बड़े से बड़ा पत्थर भी पिघल जाता है इस प्रेम से। हुआ ये है कि संसार के विषयों का चिंतन करते करते, उनसे ममता मोह करते करते हमारा हृदय विषयाकार हो गया है, और विषयाकार होकर कठोर हो गया है। जब श्री कृष्ण के विरह की आंच इसको लगती है तब ये पिघलता है, और एक बार पिघल जाए और फिर श्री कृष्ण के सांचे में ढाल दें तो ये श्री कृष्णाकार हो जाता है। फिर तो जब जरा गर्दन झुकाई देखिए, दिल के आईने में, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जहाँ अपना हृदय कृष्णाकार हो गया। असल में सारी की सारी सहेली अपने हृदय को कृष्णाकार बनाने के लिए है। तो जब गोपियां देखते बछड़ा कराने गए, गाय कराने गए, शाम को लौटने लगे, बात तो बहुत है, ममतास्पद में भी दोष आ जाता है, उसको दूर करना पड़ता है। ये बत्सासुर के उद्धार की कथा है।
और बड़े बड़े सफेद कोट सात्विक लोग भी दुष्ट होते हैं, दंभ, इसके लिए बकासुर की कथा है। ये सब कथाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण के भागवत धर्म का ये प्रभाव है कि अधी नहीं अघासुर भी मुक्त हो जाता है। ये सब कथाएं बीच में आई, बड़ी अद्भुत, बड़ी अद्भुत। जब लौटते हैं गोचारण करके तो गोपियों की नजर पड़ती है। आप क्या देख रहे हैं? संगो रजस्फुरित कुंतल बद्ध बरहा वन्य प्रदून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुं क्वणन्तम् अनुगैरनुगीत कीर्तिम गोपियो दिदृक्षित दृशो व्यगमन समेता। क्या श्रृंगार है! गो रजस्फुरित कुंतल बद्ध बरहा, गायों के खुर से उड़ उड़ कर धूल, काले काले घुंघराले महीन चिकने घने बालों पर पड़ी हुई है। बाल की महिमा यही है। सांवरे हो, हिंदुस्तानी हो तो, विलायती हो तो कुछ बोल, सांवरे हो, घुंघराले हो, घने हो, सूक्ष्म हो, तो वक्र और अतिथ हो, सबका वर्णन है श्रीमद् भागवत में। गायों के थुर से उड़ उड़ करके धूल पड़ी हुई है श्री कृष्ण की अलकों पर, और उस पर मोर का मुकुट, धरती की धूल भगवान का श्रृंगार है और मोर की टूटी हुई बांस उनका मुकुट है। ऐसा भगवान मजनून में ऐसे कहीं दूसरे लोक में होते होंगे, ऐसे भगवान होंगे तो इसी धरती पर होंगे, और कहीं होंगे नहीं। वन्य प्रतून रुचिरे क्षण चारुहासम, जंगली फूल लगाए हुए हैं और आंखें क्या है, रुचि को हार लेने वाले। रुचिर कार के ही होता है, रुचिर माने हमारे मन में जो दही बड़ा खाने की रुचि है वो श्याम सुंदर को निहारने में हो जाए। पूरी मिठाई खाने की जो रुचि है, मिठाई का तो नाम हमको जरा कम याद आ रहा है, नहीं तो मैं दूसरा सुना दे। जो संसार में जो रुचि होती है ना, वो रुचि जब भगवान अपनी ओर खींच लेते हैं, कैसे खींचते हैं, अपनी आंखों से खींचते हैं, अपनी मुस्कान से खींचते हैं। रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुं क्वणन्तम् अनुगैर अनुगीत कीर्तिम, बांसुरी बजा रहे हैं। कोई बड़े बड़े राजा महाराजा लोग जो बाजा बजाते हैं तो नहीं, बांस की बसुरिया है, बांस की बसुरिया है। वेणु शब्द का अर्थ किया श्री वल्लभाचार्य महाराज ने कि ब माने विषयानंद और ई माने ब्रह्मानंद, वश्च इश्च वयव तौ अणु जस्मात्। विषयानंद में विक्षेप है और ब्रह्मानंद में शांति है, और ये जो वेणु रसानंद है, वेणु रसानंद न इसमें संसार का विक्षेप है न ब्रह्मानंद की शांति है, ये व्यवहार का व्यवहार और ब्रह्मानंद की अनुभूति। इसके सामने न विषयानंद कुछ है न इसके सामने ब्रह्मानंद कुछ है, वो टूट गया ब्रह्मानंद, जिसका नाम वेणु। संसार से भी छुड़ा ले और समाधि से भी छुड़ा ले। कनकादि तो चाहते हैं समाधि भंगाय कदानु में भवे, वही बंसी ध्वनि मेरी समाधि को कब तोड़ेगी। चाहते हैं हम समाधि में बैठे हों और श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि आवे और हमारी समाधि टूट जाए। समाधि भंगाय कदानु में भवे वेणु क्वणन्तम् अनुगैर अनुगीत कीर्तिम, ग्वाल बाल चल रहे हैं पीछे पीछे और कीर्ति का गान कर रहे हैं। ये हुई झांकी, सायंकालीन झांकी, गोचारण करके लौट रहे हैं। शरीर पर गाय के खुर की धूल पड़ी हुई, बालों पर पड़ी हुई, मयूर मुकुट बना हुआ, जंगली फूल लगे हुए, बांसुरी बजाए रहे, मुस्करा रहे और प्रेम भरी आंखों से देख रहे। इसी बीच गोपियां सामने से आई देखने के लिए, तो बोले उनको देखने की इच्छा होगी। बोले अजी उनके मन में देखने की इच्छा है, क्या बोलते हो? उनकी आंखें दर्शन की इच्छा से तर बतर है। विदृक्षित दृशो भगवन समेता, विदृक्षिता दृशो जाता है, उनकी आंखों में दर्शन की, हृदय में लालसा होना दूसरी चीज है, और वो लालसा हृदय में से उठी आंखों में भर गई, आंखों में खुजली होने लगी। कब देखेंगे, कब देखेंगे श्याम सुंदर को, कब देखेंगे, व्याकुल हो गई। हाँ हाँ कदानुभविता सर्वम दृशोर में, हाय हाय वो क्षण कब होगा जब हम श्याम सुंदर को देखेंगे। विदृक्षित दृशो व्यगमन, पर अकेली नहीं जाती थी, समेता इकट्ठी होकर
और सामने की ओर से जैसे किसी काम के लिए जमुना जी में पानी भरने के लिए अदृष्टरण उदहार्य है ना, कनिहारिने तो भगवान को देखते हैं, उदहार्य है। ये कहार शब्द भी है, कहारिन जिसको बोलते हैं ना, कहार कहारिन, तो ब्रज में कहारिन की तो बात नहीं है, पनिहारिन की बात है, उदहार्य है। ये भगवान पानी भरने वालियों को देखते हैं, हे भगवान अध्यागमन सामने से आते हैं, जिधर से श्री कृष्ण आते हैं उसकी विपरीत दिशा से चलते हैं। हमको पानी भरने जाना है, हमको जमुना जी जाना है, कुछ न कुछ बहाना बना के, आंखों में तो है दर्शन की प्यास और मिस बनाकर चलती है श्याम सुंदर के दर्शन के लिए। पीत्वा मुकुंद मुख तार घमक्षि भृंगई तापम जौर विरह जम रज जोशितो। देखो जिससे प्रेम होता है उसके विरह में ताप होता है। जब श्याम सुंदर गोचारण के लिए वन में चले जाते हैं तो गोपियों के हृदय में ताप होता है, और जब लौटते हैं तब उनके मुखारविंद मधु का, मुखारविंद मकरंद का पान करके तृप्त हो जाते हैं। जिसके संजोग की स्फूर्ति से आनंद होए और विरह की स्फूर्ति से दुख होए, उसके साथ दिल थोड़ा थोड़ा लग रहा है, समझना कि थोड़ा लगाव पैदा हो रहा है। अब देखो प्रेम का दूसरा रूप दे, ये तो दर्शन है, अब आपस में वर्णन है। इत्थम सरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना, चार दीवानी गोपियां इकट्ठी होकर बैठ जाते हैं। श्याम सुंदर तो गए गोचारण करने के लिए, आहा इस समय क्या करते होंगे, इस समय क्या करते होंगे, आपस में कह रही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहां प्रवेश किया, कि भगवान तो मैं बोलता हूँ, हमको याद है पहले पहल आके ब्रज में मैंने कथा करी तो मैंने भगवान कृष्ण कह दिया। इस पर पंडित सुंदरलाल जी बहुत नाराज हुए, बोले कि तुम हमारे कन्हैया को, हमारे कन्हैया को भगवान क्यों बोलते हो, हमसे दूर क्यों कर रहे हो। ये ऐश्वर्य की कल्पना से प्रेम में संकोच होता है। सरो सरो सर सरिन महीद्रम मधुपति रवगाज चारयंगा सह पशुपाल बलस्तुपु वेणु। वृंदावन का स्वरूप है, वृंदावन का स्वरूप है सरस सरस, जैसे सरोवर निर्मल होता है वैसे निर्मल हृदय, और जैसे सरिता बहती है अभिसार करने के लिए समुद्र से मिलने के लिए, ऐसा वृत्ति प्रवाह और जैसा पर्वत दृढ़ ऐसी दृढ़ता। प्रेम के रास्ते में चलना हो तो तीन बात चाहिए, हृदय में निर्मलता चाहिए, छल कपट नहीं चाहिए, और वृत्ति का प्रवाह चाहिए अपने प्रियतम की ओर, और दृढ़ता चाहिए पर्वत की ओर, पर्वत के समान। यथा नद्यः चंदमाना समुद्रे अस्तंगच्छन्ति नाम रूपे व्याय। अभिसार सबसे छिपा कर अपने प्रियतम से मिलने के लिए बह जाना, चलना नहीं हो बह जाना, लोग वे सबसे ऊपर उठ जाना, ये अद्भुत अद्भुत गति है। सदृष्टो मृगया तिनहा, प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो। गोपियां कहती हैं आपस में कि आंख वालों को ये जो आंख मिली है उसकी सफलता इसी में है। अक्षयणवताम फलमिदम न परम विदामः सख्यः पशून अनुविवेशयतो हृपयस्यै वक्त्रं व्रजेत सुतयोरनुवेणु दुष्टम जैर्वानिदीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम। एक बार अनुराग भरा कटाक्ष प्रेम भरी चितवन जिसके ऊपर पड़ गई, उसके ऊपर तो मोक्ष की वर्षा होने लगती है, मोक्ष की वर्षा होने लगती है। अनुरक्त कटाक्ष मोक्ष मन दुनिया छूट जाती है, दुनिया छूटने के लिए सदसत का विवेक नहीं करना पड़ता। ये प्रेम की धारा इतनी बेगौती होकर बहती है कि सारे बंधन अपने आप ही टूट के गिर जाते हैं। अनुरक्त कटाक्ष मोक्ष, आंख वालों की आंख का, आंख मिलने का यही फल है। आप लोग तो सब विद्वान हैं, पर ब्रह्म परमात्मा का आत्मिकेनो बोध अविद्या निवर्तक समर्थ बोध हो गया, आंख को क्या मिला, आंख ऐसी दुनिया देखने के लिए मिली थी। अच्छा
बुद्धि आकार वृत्ति हो करके आप ध्यान अवस्थित हो गए। ठीक है, आपके मन का ध्यान लग गया, आंखें सफल हुई कि नहीं हुई, मन सफल हो गए, ब्रह्म से एक होकर आत्मा सफल और वृत्ति ध्येयाकार होकर सफल। अच्छा, हाथ से कुछ सेवा कर ली, पांव से परिक्रमा कर दिया, सफल। आंख कैसे सफल होते हैं? आंख क्या यही दुनिया देखने के लिए मिली है? जौलो नाही नंद को कुमार को देख पर्यो, तौलो भले बैठ के तू ब्रह्म को विचार ले। ये नंद नंदन श्याम सुंदर के दर्शन के बिना आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। नेत्र की सफलता नंद नंदन के दर्शन में है, मन की सफलता ध्येयाकार वृत्ति में है, और ज्ञान की सफलता ब्रह्मात्मयी के बोध होकर अविद्या की निवृत्ति में है। अक्षण वताम फलमिदम, इस जीवन की शरीर की सफलता भगवान के दर्शन। ये चर्चा आपस में करते हैं, कहते हैं कृष्ण का दर्शन, कृष्ण का दर्शन ही जीवन की सफलता है। एक उनका दृष्टिकोण, ये गोपी का दृष्टिकोण है, आप गोपी के दृष्टिकोण को प्राप्त कीजिए। एक बात जब हम देखते हैं वेणु गीत में जब एक बात देखते हैं, गोपियों को ऐसा लगता है कि स्वर्ग की देवियां श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न है। वृक्ष प्रसून कबरा मुमुहुर विनिदिया, उनको अपने बालों के फूल का पता नहीं है, अरे देवताओं के साथ नंगी हो गई और पता ही नहीं है। मुमुहुर विनिदिया, देवी नंगी हो गई देवता के साथ, पर श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी मगन है कि अपने शरीर की शुद्ध नहीं। गोपी को लगता है कि देवी श्री कृष्ण के प्रेम में मगन है, ये तो ठीक लगता है, पर लगता है हरिणी श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न है। धन्यात्मा, इसी का नाम भागवत दृष्टि है, इसमें सनत कुमार की नारद की जरूरत नहीं है, इसमें बड़े बड़े ज्ञानियों की जरूरत नहीं है। अरे अज्ञानियों के कल्याण की कोई बात तुम्हारे पास है कि नहीं महात्मा? विवेकियों का कल्याण तो तुम कर दोगे, साधन संपन्नों का कल्याण कर दोगे, और साधन चतुष्टय संपन्न जब अधिकारी आवेगा, बहिरंग साधन संपन्न तब अंतरंग साधन श्रवण आदि तुम करा दोगे। तुम बताओ दुनिया के लिए कोई तुम्हारे पास चीज है? बोले देखो यहाँ तो हरिणी धन्य हो रही है। धन्यात्मा मूढ़ मतयोपी हरिणेता, एता हरिणियों की हरिम नयंती। का नाम हरिण्या? हरिणी कौन है? हरिम नयंती थी हरिण्या, हरिणी प्रापण है, ये हरि के पास पहुंचाने वाली हैं। अरे ये हरिणी नहीं है, ये हरिणी श्याम सुंदर का दर्शन करने जा रही है, चलो इसके पीछे पीछे पहुंच जाओगी श्याम सुंदर के पास। तो बोले ये तो ज्ञान ही नहीं है, इन्होंने वशिष्ठ सनत कुमार आदि से तत्व ज्ञान की शिक्षा नहीं प्राप्त की है, अगर नहीं किया है तो ठीक है, ज्ञानियों का ज्ञान उन्हें मुबारक हो, हमको तो ये मूढ़मती हरिणी ही पसंद है। धन्यात्म मूढ़मतयोपि हरिणेता या नंद नंदनम उपास्त विचित्र वेशम आकरणीय वेणुरणिताम सह कृष्ण साराः पूजाम दधुर्विरचिताम प्रणयावलोकैः। अब गोपियों को लगता है कि ये जो रबिनी है ये सहस्त है, ये जो कमल खिला ये उसका हृदय है, उनको लगता है कि ये वृक्ष श्री कृष्ण का प्रेमी है, और उसमें से जो मधु क्षरण हो रहा है वो श्री कृष्ण के लिए। उद्धव जी ने गोपियों को पहचाना, उनके मुख से निकला सर्वात्म भावो दिगतो भवती नाम अधोक्षजे, गोपियों तुमको भगवान के प्रति सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो गई, तुम्हें एक एक वस्तु में भगवान के दर्शन हो रहे हैं, वृक्ष में भगवान, रजनी में भगवान, हरिणी में भगवान। धन्यात्म मूढ़मतयो भी हरिणेता, उन्हें तो सारा वृंदावन ही दिखता है कि श्री कृष्ण के प्रेम में डूब रहा है। सारे वेणु गीत का सार यही है कि भागवत धर्म केवल देवताओं को नहीं होता, केवल ऋषियों को नहीं होता, केवल सहृदयों को नहीं होता, जड़ चेतन सब में भागवत धर्म का उदय होता है, ये भगवत भक्ति सबके लिए है। वृंदावनम सखी भुगो वितनोति कीर्तिम या देवकी सुत पदा मुज लब्ध लक्ष्मी।
वृंदावनम सखि भुगो वितनोति कीर्तिम कियत् देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनिमत्त मयूर नृत्यम ये वेणु गीत वर्णन है। पहली भूमिका पूर्व राग में दर्शन है और दूसरी भूमिका वर्णन है। परस्पर उन्हीं की चर्चा तत्चिंतन वेदांती लोग तो बोलते हैं तत्चिंतनम तत्कथनम अन्य पत्र एक अधिक परत्वंच ब्रह्माभ्यासम में गर्भ प्रेमाभ्यासम में गर्भ तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत् प्रबोधन। गोपी कह रही कि सखी ये जो वृंदावन है ना, वृंदावन माने तुलसी का वन, वृंदावन है तुलसी, वृंदावत वृक्षों का वन, छोटे छोटे वृक्षों का वन जिसमें हिंसक पशु न रहे, वृंदा सखी का वन, वृंदा राधा का वन, वृंद वृंद अनुराग का वन, जहाँ भगवान भी अनुराग के वशीभूत होकर अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर जाए वहाँ गोपियों के लिए तो छुट्टी हो गई। वृंदा है ना, वृंदा वृंदा तो वही है जिसके लिए विष्णु ने अनुराग के वशीभूत होकर, वृंदा का अनुराग नहीं था, विष्णु स्वयं अनुराग के वशीभूत होकर मर्यादा का उल्लंघन कर गए। ये अनुराग की महिमा है, उसकी भूमि है वृंदावन, पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रही है। सखी भुगो वितनोति कीर्तिम, पृथ्वी की क्या कीर्ति बढ़ रही है, तो पहले लक्ष्मी की कीर्ति बढ़ रही थी, वो बैकुंठ में महारानी बन के बैठी थी, पूज रही थी, एक रूप से अपने पतिदेव की छाती पर बैठी हैं और एक रूप से पांव दबा रही हैं, जहाँ देखो वहाँ लक्ष्मी, जहाँ देखो वहाँ लक्ष्मी। अब जब श्री कृष्ण घूमने लगे वृंदावन में तो यहाँ के चप्पे चप्पे में आके लक्ष्मी बैठ गए। लक्ष्मी कहाँ है, यद देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी वृंदावनम। वृंदावन कैसा है कि देवकी नंदन के चरणाम्बुज चिन्ह से यहाँ के चप्पे चप्पे पर लक्ष्मी बैठी हुई है। ये किसको दिखता है, ये गोपी को दिखता है, गोपी को दिखता है। ये देखो ये प्रेम है, प्रियतम में अपना ऐसा मन लगा, इनको लगता है कि सारी दुनिया श्री कृष्ण में ही मगन हो रही है। गोविंद वेणु मनु मत मयूर नृत्याम, वृंदावन कैसा, बजती है श्री कृष्ण की बांसुरी और मोर पागल होकर नाचता है नाचता है नाचता है। गोविंद वेणु मनु मत मयूर नृत्यम, गोविंद वेणु मनु कथम भूतम वृंदावनम, गोविंद वेणु मनु, गोविंद वेणु रेव मनु धर्मोपदेशको जस्मिन तत्। बोले दुनिया में मनु जी धर्म का उपदेश करते होंगे। वृंदावन में गोपियों ने कहा कि सखी यहाँ मनुस्मृति बुलावेंगे तो काम नहीं चलेगा, तब यहाँ मनु का काम कौन करेगा, तो यहाँ तो श्री कृष्ण की बांसुरी जो कहेगी तो हम करेंगे, यहाँ उसी का आदेश उपदेश चलेगा, उसी का धर्म ज्ञान चलेगा, मनुस्मृति का नहीं। जब सखी कोई मंत्र वंत्र जपोगी, बोले गोविंद वेणु मनु, गोविंद वेणु रेव मंत्रो यस्मिन मत मयूर नृत्यम, मत वाले होकर नृत्य, राधा पुरति पश्चिमतश्च राधा राधा भिसव्यमिह दक्षिणतश्च राधा राधा कलुक्षिति तले गगने च राधा राधा मयी मम बभूव कुतस्त्रिलोकी। श्री कृष्ण राधा मय होके बांसुरी बजा रहे हैं, राधा श्री कृष्ण मयी होकर तन्मय हो रही हैं, तीनों लोक में राधा, तीनों लोक में राधा, मत्त मयूर नृत्यम, मयूर बंसी की ध्वनि पर मतवाला होकर नाच रहा है, अपर अतान्य समस्त तत्वम, सब के सब प्राणी श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन रहे हैं। ये किसको मालूम पड़ता है, ये गोपियों को मालूम पड़ता है। प्रेमियों को देखना चाहिए कि हमारे प्रियतम का सौंदर्य, हमारे प्रियतम का औदार्य, हमारे प्रियतम का सौर्य, हमारे प्रियतम का माधुर्य किस प्रकार विश्व सृष्टि में व्याप्त हो रहा है, और चर्चा करना तो उसी का करना। ये पूर्व राग में प्रथम दर्शन के पश्चात परस्पर वर्णन, इसके बाद आया प्रयास साधन, वो साधन है श्रीहरण वाला प्रसंग जो है वो, अब ये आपको कल प्रातः काल सुनाएंगे।